इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के गोविंदपुरा क्षेत्र के उम्मीदवार सज्जन सिंह परमार जी। आइए हम इनसे आपकी बात कराते हैं। सर नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा आपका कि सारे प्रत्याशी मतदान के बाद पेटियां जमा कराकर अपने अपने घर चले गए, आप अभी तक यहाँ क्यों हैं, क्या कारण है? देखिए मैम, आम आदमी पार्टी मैदान में थी इस बार, ये सबको पता है, और आम आदमी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत करी और गोविंदपुरा में बदलाव लाए, तो इसलिए मैं यहाँ उनकी भावनाओं के साथ जुड़ के यहाँ आया हूँ कि ऐसा नहीं कि हमारे साथ भी धोखा हो जाए, क्योंकि प्रशासन है उनका। आज गोविंदपुरा विधानसभा चंद दूरी पे, जबकि रात भर यहाँ पेटी लाने का सिलसिला चलता रहा और अभी भी स्ट्रांग रूम तक हमारी पेटियाँ नहीं पहुँची है, ईवीएम नहीं पहुँची है, तो उसका कारण तो ये कहीं ना कहीं एक शंका पैदा करता है और प्रशासन के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि ऐसा क्यों। तो इसलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं कि हम इनकी पारदर्शिता को देख रहे हैं कि बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं तो काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं देता हूँ कि मैं अंदर से बैठा हुआ था और अभी तक ट्रकों से पेटियाँ नहीं उतरी हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक शंका पैदा करता है। तो इसलिए हम अपने ईवीएम को और हमारे मतदाताओं के मताधिकार को सुरक्षित रहे उसकी सुरक्षा करने के लिए मैं यहाँ डटा हूँ। आपने जानने की कोशिश की कि अभी तक यहाँ तक ईवीएम पेटियाँ क्यों नहीं पहुँची? हाँ, जानने की कोशिश की, मैंने अधिकारियों से बात की, तो उसके लिए काम चल रहा है। देखिए लड़के उतार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टाला मटोली का सवाल का जवाब मुझे मिला है जिससे मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। तो ये थे सज्जन सिंह परमार जी, जिनसे हमने आपकी बात करवाई। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं टालम टाली का मामला चल रहा है, अभी तक ईवीएम पेटियां यहाँ तक जमा नहीं हुई है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं रश्मि जैन, मृदुभाष से।